और इकबाल कहता है मस्त खोए न जिक्रो फिक्रो सुबह का ही। कोई पकड़ा हमारे पीर साहब, मैं आग लगी तेरे पीर नू, आग लगी तेरे मौलवी नू, आग लगी तेरे सियासतदान नू, आग लगी तेरे सिपा सालार नू, मैंने दस तू फलस्तीन दकी की था। ओए थोड़े को बोले भी नहीं जा सकता, 57 इस्लामी मुर्दे हो, 57 इस्लामी मुर्दे हो, और एक भी कोई ना होवे इकबाल के अंदर क्या नहीं है और कोई गजनवी। कारगाहे हयात में बैठे हैं मुंतजर कब से, और अहले हरम के सोमनाथ इकबाल के अंदर कोई भी गजनवी दवारिस नहीं। हरम में चाहते पुत रखते थे कहन किधर गए मुसलमान, और किधर गए जड़े कहने के साथ इतने एटम बम और इतनी फौजा और 6 सितंबर नु इधर छा करते तैयार जा रहे हैं, किस दिन वास्ते रखे हुए। और सालिमो अगर कोई एक भी मोहम्मद अरबी का गुलाम बैठा होता होते ते क्या उन्होंने धियां नु दसना पैंदा कि ऐ तोड़ा बैतुल मुकद्दस है, ऐ तोड़ियां धियां ने नदियां जनाब उतारियां जा रही हैं, इन दी इज्जत तार तार की जा रही हैं, ऐ दूध पीने बच्चे ने इन्हें बंबा दिवाल मारिया जा रहा। बल्कि एक कांस्टेबल और एक एसएचओ ने सिंध के मकाम के अंदर मशवरा दिता होने का सानू जहाद के अंदर दाखिल होना चाहिए, तो इन्होंने उस मुअत्तल कर दिता कि ओए तू मोहम्मद अरबी की दीन की गल करता, इस जमाने जहाद की गल करता, ओए जे तुसा नहीं करना तो फिर मुल्क के बजट कई तो खा दियो, फिर ए वर्दियों के फुल काले वास्ते लाए ने, ए ला के सानू बवा दियो, देखना जे शाम तक इसराइल के टुकड़े ना होते तक कर भाई। Labbay ya Rasul Allah, labbay, labbay, labbay ya Rasul Allah, labbay, labbay, labbay ya Rasul Allah, labbay, labbay, labbay ya Rasul Allah, labbay। कदों तक अपने पीछे टां टां गड्डियां करदियां लांदे जाओगे, कदों तक इन्हां जवानां नूं अपने पट बहन रखोगे, कदों तक जाती गनमैन ते जाती जनाब घर दे मालिक ते कदों तक पढ़ाओगे यार।